नमस्कार दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी का कुछ शेयर खरीदते हो तो उस कंपनी का कुछ हिस्से का मालिक आप भी होते हो, यानी कि प्रॉफिट्स में आपका भी हक है। अब मेरा मानना है कि दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। पहला, ग्रोथ वाले स्टॉक्स। ये वो कंपनीज है जिन्हें बहुत सारा R&D करना होता है, या नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन बनाने होते हैं, या नए मार्केट्स में एक्सपैंड करना होता है। इन सबके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, और बाजार से इतने सारे पैसे लेने से अच्छा है कि ये खुद के ही प्रॉफिट्स को खुद में ही निवेश कर देती है। एप्पल, टेस्ला या गूगल ग्रोथ कंपनीज के एग्जांपल्स है। और दूसरी तरफ है डिविडेंड स्टॉक्स। ये वैसी कंपनियां हैं जो एस्टैब्लिश्ड और स्टेबल है, और इनके पास अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज्यादा स्कोप ही नहीं है। तो ऐसे में ये अपने प्रॉफिट्स का ज्यादातर हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में ही बांट देते हैं, और इसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। कोका कोला या जॉनसन एंड जॉनसन ऐसे ही कुछ कंपनियां हैं। ज्यादातर कंपनियां हर क्वार्टरली डिविडेंड देती है, और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो एक्स डिविडेंड डेट यानी एक्सपायरी डेट के पहले, तो आपको डिविडेंड जरूर मिलता है। अच्छे डिविडेंड देने वाली कंपनी सालाना 3-5% आपके इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न देती है, और ये वो सालों तक करते आती है, यानी कि मार्केट्स पे क्या चल रहा है इसका उनके बिजनेस पे ज्यादा असर नहीं पड़ता।